इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा एक प्रश्न को जिसका संबंध सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से है। यहाँ पर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप एक अच्छा आंसर राइटिंग लिख सकें। जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि सामाजिक जीवन में संस्था के महत्व अथवा कार्य का परीक्षण कीजिए, यानी एग्जामिन द इम्पोर्टेंस और फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन सोशल लाइफ। तो अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं यार, फंक्शन क्या होता है, महत्व क्या हो गया, महत्व हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, फीचर हो गया, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज रहते हैं। तो आपको इस तरह समझना है कि कोई सामान है, कोई व्यक्ति है, तो उसके अपने अपने लाभ हैं। महत्व मतलब आपने नोटिस किया, कोई कहता है कि यार आपका मेरी लाइफ में बहुत ही महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसको अलग अलग चीज़ों को फ़र्क करके आप समझ सकते हैं। और एक और चीज़ है, जब प्रश्न समझना है तो कम से कम 4 से 5 बार पढ़ें, शब्दों को समझें। शब्द जब समझ में आते हैं तो आंसर अपने आप बन चले जाते हैं। और एक और चीज़ ख्याल रखिएगा, जब भी संस्था से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है फिर भी आप गिलीन समाजशास्त्री को जरूर कोट करें, कम से कम 1-2 लाइन में कोई डेफिनेशन आप दे सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्था का काम क्या होता है, संस्था का अस्तित्व तभी बना रहता है जब वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति सही समय पर कर दे। सीधी बात है, तो कह सकते हैं द डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन इज टू फुलफिल वन और द अदर रिक्वायरमेंट एंड फ्रॉम द डे द इंस्टीट्यूशन फेल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। मतलब जो प्रत्येक संस्था होती है उनका विकास किसी न किसी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं जब बढ़ती हैं तो किसी न किसी चीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है, किसी न किसी चीज़ का विकास हो जाता है। वैसे ही ठीक समझिए कि और जिस दिन से संस्थाएं उस कार्य को करने में फेल हो जाती हैं, दे बिगिन टू डिक्लीन, मतलब उनका पतन शुरू हो जाता है, उसका ह्रास शुरू हो जाता है। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन लाइज इन द इम्पोर्टेंट वर्क दे डू, मतलब संस्था का जो अस्तित्व होता है उनके द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों में निहित होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं जब तक संस्थाएं सही काम करती रहेंगी उनका अस्तित्व तो बना रहेगा। आगे देखते हैं, जैसे कि आपने आपको कोट करना है कि गिलीन द्वारा प्रस्तुत कार्यों के आधार पर संस्था का महत्व निम्नलिखित है, तो यहाँ पर इसी सबको ख्याल रखना होगा। गिलीन समाजशास्त्री हैं, इन्होंने कुछ चीज़ों को डिवाइड करके रखा है, यानी संस्था का महत्व तो इन्होंने कई भागों में बांटा है, इनको हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट, इंस्टीट्यूशन फुलफिल द नीड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मतलब जो संस्थाएं होती हैं मानव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। जैसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन इज टू फुलफिल द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ, मतलब संस्था का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो क्या होता है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल द फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन, और कोई फैमिली एक संस्था के रूप में है, एंड इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंडिविजुअल, मतलब अगर एक जो मनुष्य है अगर उस परिवार एक संस्था के रूप में है तो जो उसका जो मुखिया होगा उसका प्रमुख कार्य क्या होगा, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का की एक प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो लेता है टू द इंडिविजुअल। अल्सो द इंस्टीट्यूशन फुलफिल एनी नीड फॉर एनीवन, इट डज नॉट मीन दैट ह्यूमन बीइंग शुड बिकम स्लेव ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मतलब यही है कि जब कोई परिवार का जो मुखिया और किसी के लिए आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसका कार्य हमेशा ये होता है कि अब देखते हैं नंबर थर्ड, इंस्टीट्यूशन और कैरियर ऑफ कल्चर, मतलब संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं। यह व्यक्ति मैं बताना चाहूँगा, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं करियर और कैरियर को लेकर के, तो इन दोनों वर्ड को अब अच्छे समझ लीजिए। कैरियर जो होता है, एक होता है करियर, ये डबल ही होता है, इसका मतलब होता है पेशा वर्क, और कैरियर मतलब होता है वाहक। आपने देखा होगा ना कोई ट्रक वगैरह, उस पर लिखा होता है उसके फोरहेड पर
गुड्स कैरियर यानी मालवाहक गाड़ी, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसमें देखते हैं डिफिनेशंस का कि ऑल द ट्रेडिशन प्रैक्टिस प्रोसीजर रिलीजन फूड एंड क्लॉथिंग ऑफ द सोसाइटी गेट एग्जिस्टिंग बाय द इंस्टीट्यूशन, मतलब जो चूंकि हम जानते हैं कि संस्थाएं संस्कृति की विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, ठीक है। तो वैसे ही समाज की जो सभी परंपराएं होती हैं, उसकी प्रथाएं होती हैं, कार्यविधि होती है, धर्म होता है, खान पान होता है, वेशभूषा यानी पहनावा होता है, तो संस्थाओं का काम क्या होता है कि इनका अस्तित्व बना के रखा जाए, ठीक है। यानी संस्थाओं का काम क्या होता है कि इनका जो अस्तित्व है, ओरिजिनलिटी जो है, उसको बना के रखा जाए। इन दिस वे मैनी रिलीजियस इकोनॉमिक एंड कल्चर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन ट्राई टू कीप द कल्चर सस्टेनेबल। इस प्रकार के जो अनेक धार्मिक आर्थिक जो सांस्कृतिक संबंधी जो संस्थाएं हैं, वो संस्कृति को बना करके जो उनका बना करके रखने का प्रयत्न करती हैं, ठीक है। जैसे एक शादी हो रहा है, तो शादी में जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, बेसिक नीड, तो उन सब चीज़ों को अब कैमरों में कैप्चर करके रखा जाए। अगर आपको समाज के बारे में समझना है, ट्रेडिशन के बारे में समझना है, हिंदू समाज व्यवस्था के बारे में समझना है, शादियों के बारे में, तो आप एक मूवी देख सकते हैं, साउथ की है, श्रीनिवासम कल्याणम, जरूर देखा, काफ़ी प्यारी मूवी है श्रीनिवासम कल्याणम। साउथ का एक्टर है नितिन, आप ज़रूर इसको देखिएगा, आपको काफ़ी करीब से आप देखेंगे किसी कल्चर को कैसे संभाल कर रखा जाता है और कैसे निभाया जाता है। आगे देखते हैं, इंस्टीट्यूशन और द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। संस्थाओं का काम क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण बनाकर रखना, यानी क्या है, संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का साधन होती हैं। ऑल द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग स्टार्ट टू बी कंट्रोल बाय इट ओनली व्हेन द पावर ऑफ द इंस्टीट्यूशन गेट मोर ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रुप, मतलब मनुष्य के जो सभी व्यवहार होते हैं इसके द्वारा तभी नियंत्रित होते हैं जब किसी समूह की संस्कृति स्वीकृति मिल जाए, है ना। मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा है और कोई संस्था सपोर्ट कर रहे है ना, तो अब उसका हौसला और बढ़ जाएगा और वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो हो रहा है समाज में, यानी एक धर्म किसी व्यक्ति को, किसी संस्था है, एक व्यक्ति को उकसा देती है, वो किसी और का नुकसान करके चलाता है। हालांकि नुकसान किसका हुआ है, समाज का हुआ है ना, चाहे वो किसी धर्म किसी कास्ट का है। तो यहाँ पे एक चीज़ को हमें समझना चाहिए। तो उदाहरण के लिए जो संयुक्त पारिवारिक संस्था है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, और कास्ट का भी एक एग्जाम्पल देना चाहें जो आपके साथ घटित हुआ हो, आप उनका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। और यहाँ पे चाहें तो संयुक्त परिवार का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इस तरह की जो संस्था होती हैं, ये क्या करती है, वो मनुष्य के व्यवहारों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा खाप पंचायत, यहाँ के यहाँ ऐसा सिस्टम है कि अगर कोई अपने गोत्र में वगैरह में शादी वगैरह कर लेता है, ऐसे कोई सिस्टम है ना, आप थोड़ा पता करिएगा खाप पंचायत क्या होता है, तो आपको थोड़ा और जानकारी मिलेगी। या एक मूवी है आप देखना चाहें, खाप पंचायत, ठीक, अगर आपको खाप पंचायत अच्छे समझना है कि क्या होता है, तो एक मूवी देख खाप, ठीक है, सर्च करिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अक्सर जो संस्थाएं होती हैं समाज के विकास में, मनुष्य के विकास में बैरियर का भी काम करती हैं, रुकावट का भी काम करती हैं। उनको सेट कर दिया जाता है कि आपको यही करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, और हमारी जाति के लोग ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हिंदू वर्ण व्यवस्था आप सुना ही है, ठीक है। उनमें ये फिक्स था ना कि शूद्र जाति के लोग क्या करेंगे, वैश्य जाति के लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो बहुत चीज़ पे कॉन्फ्लिक्शन है, बैरियर रखा गया था। तो अभी भी बहुत जगह ये इन चीज़ों इन परंपराओं को माना जाता है। बहुत सी जगह पे जब जागरूकता फैली तो लोगों ने इसको अवॉइड करना शुरू कर दिया, काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पे ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं। तो इन व्यवस्था के बारे में कोई एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। क्योंकि आप समाजशास्त्र का पेपर देने जा रहे हैं, तो एक और काम कर सकते हैं आप, सत्य में जयते का सकते हैं, काफ़ी एक आपको एक काफ़ी नॉलेज मिलेगा उस चीज़ से। जब खाप पंचायत के कुछ मेंबर को बुलाया जाता है और उनसे डिस्कशन किया जाता है, तो आपको कई चीज़ें मालूम चलेंगी। तो आप उनको ज़रूर देखिएगा इस पेपर को देने से पहले, ताकि आप अच्छे नंबर गेन कर सकें, क्योंकि हमारे पास जितने अच्छे एग्जाम्पल होंगे नंबर भी वैसे ही मिलेंगे। चलिए देखते हैं आगे, इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड पोजिशन एंड फंक्शन। संस्थाओं का काम क्या होता है, किसी व्यक्ति को पद प्रदान करना, किसी व्यक्ति को कार्य प्रदान करना। एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज टू रिलीव
द पर्सन फ्रॉम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड गिव हिम अ सर्टेन पोजिशन एंड ही हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्रीम। मतलब संस्थाओं का जो एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, व्यक्ति को मानसिक संघर्ष से छुटकारा देने का भी काम होता है। जैसे अब किसी के पास जॉब नहीं है तो अब क्या करेगा, किस संस्था से जुड़ेगा तभी तो जॉब करेगा ना। तो संस्था का काम भी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को उसके मानसिक संघर्ष से छुटकारा दिलाया जाए और उसको एक निश्चित पद प्रदान किया जाए उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, है ना, और जिसका वो उसका ड्रीम है कि यार ये सा जॉब चाहिए। तो संस्था का काम भी काफ़ी एक क्या होता है। नंबर 5 देखते हैं, इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड पोजिशन एंड फंक्शन। यानी इंस्टीट्यूशन काम क्या होता है, किसी व्यक्ति को एक पद प्रदान करना। जब कोई व्यक्ति अपने पढ़ाई कर ले, ठीक है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब ना मिले तो वो क्या होता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ऐसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए संस्था काम करती हैं। जैसे कि एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज टू रिलीव द पर्सन फ्रॉम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड गिव हीम अ सर्टन पोजिशन एंड ही हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्रीम। मतलब संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण ये भी कार्य होता है कि किसी व्यक्ति को मानसिक संघर्ष से छुटकारा दिलाया जाए और उसे एक ऐसा पोजीशन दिया जाए, एक ऐसा पद दिया जाए, और ठीक है, और जो उसका एक ड्रीम जॉब हो, है ना, या उससे संबंधित हो। और इससे क्या होता है, किसी व्यक्ति का लाइफ एक संगठित हो जाता है, यानी खुशहाल हो जाता है, है ना। तो कह सकते हैं दिस कीप द लाइफ ऑफ द पर्सन ऑर्गेनाइज्ड। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ग्रांट अ मैन द रैंक ऑफ हस्बैंड। और जो विवाह कराने वाली जो संस्थाएं होती हैं उनका काम क्या होता है, किसी पुरुष को हस्बैंड का पद देती हैं, यानी दर्जा देती हैं, और किसी स्त्री को पत्नी का दर्जा देती हैं। तो अंत में यहाँ देख सकते हैं कि इन एडिशन टू दीज इम्पोर्टेंट फंक्शन सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन प्रूव टू बी अ हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब संस्थाओं का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि समाज के प्रगति में निरंतर वो प्रयास करें, ठीक है, और उनके साथ साथ रहें, लेकिन अक्सर ये समाज के विकास में बाधक भी सिद्ध हुई हैं। और जैसे कि लुंडबर्ग एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने एक डिफिनेशन दिया कि हुवेयर जेंडर क्लास हैज डिसफंक्शनल एस्पेक्ट। मतलब संस्था के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कि अतिरिक्त, अकॉर्डिंग टू लुंडबर्ग ने एक सिद्धांत दिया इससे संबंधित कि हुवेयर जेंडर क्लास हैज डिसफंक्शनल एस्पेक्ट। मतलब कि जो संस्थाएं होती हैं वो अकार्य पक्ष होती है, यानी डिसफंक्शनल होती है। क्यों कहा, इसका रीजन था, इन्होंने ये कहा कि बिकॉज मेनी सोशल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ हिंदू सोसाइटी और अ विविड एग्जाम्पल ऑफ दिस। मतलब जो क्योंकि हिंदू समाज के जो अनेक सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं होती हैं इसके ज्वलंत उदाहरण। अब आपको इसको समझना है तो सबसे बढ़िया होगा कि आप एक मूवी देख लें खाप, ठीक है, और दूसरा सत्यमेव जयते का वो एपिसोड खाप पंचायत वाला, इसको देखेंगे तो आपकी जो जो अंडरस्टैंडिंग होगी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, जिससे आप एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो ये रहा वीडियो पॉइंट, आशा करते हैं कि इससे आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा, ठीक है। तो आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर संबंधी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।